मेरे परिवारजनों, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विमेन लेड डेवलपमेंट का भी प्रेरक प्रतीक है। बीते वर्षों में जिस तरह भारत ने पूरी दुनिया को नारी शक्ति के विकास का मार्ग दिखाया है, वह अभूतपूर्व है। ये वर्ष माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के रहे हैं। ये हमारे झारखंड की बेटियां खेलकूद में जो नाम कमा रही है ना, सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों की जनसंख्या बढ़ी है और स्कूलों में छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण से स्कूल छोड़ने की मजबूरी कम हुई है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर मालकिन बहनें बनी है, बहनों के नाम रजिस्टर हुआ है, पहली बार उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हुई है। सैनिक स्कूल डिफेंस एकेडमी को बेटियों के एडमिशन के लिए पहली बार खोल दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% बिना गारंटी के ऋण लेने वाली मेरे देश की महिलाएं हैं, मेरी बेटियां हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आज सरकार से रिकॉर्ड आर्थिक मदद दी जा रही है और लखपति दीदी अभियान, कुछ लोगों को मेरी बातें सुनकर के चक्कर आ जाते हैं। मेरा सपना है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना के रहूंगा। 2 करोड़ महिलाओं को स्वयं समाज सहायता समूह चलाने वाली 2 करोड़ महिलाएं लखपति बन के रहने वाली, देख लेना आप। कुछ महीने पहले ही हमारी सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी अपनाया है। आज भाई दूज का पवित्र पर्व है। देश की सभी बहनों को उनका ये भाई गारंटी देता है कि बहनों के विकास में आने वाली हर रुकावट को ये आपका भाई ऐसे ही दूर करता रहेगा। आपका भाई आपकी मुसीबतों की मुक्ति के लिए जी जान से जुटा रहेगा। नारी शक्ति का अमृत स्तंभ विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।